लो, ये तो गले ही पड़ गई। ये लो मुफ्त की चूड़ियां और खुश रहो। इतनी रात गए तो यहां मुफ्त की चूड़ियां लेने आई थी, तो कहीं कुछ मुझसे छुपा तो नहीं रही है चंद्रा? नहीं, मैं तारा मैं क्या चंद्रा? तू मेरी छोड़ तारा, तू बता तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो मुफ्त की चू एक गाना जी, मैं भी तेरे चक्कर में क्या क्या बोले जा रही हूँ। मैं तो वो कलम जो दादी ने इन्हें दी थी, मोर पंख वाली, वो मैं इनसे वापस लेने आई हूँ। लाइए दीजिए। लो, इतने से बात के लिए इतने भाग दौड़। ये लो, दो आने चीज के लिए इतना सब किया तुमने। दो आने की नहीं है ये, ये तो बहुत अनमोल लग रही है तारा के लिए। क्यों तारा, ज्यादा लगाव नहीं हो गया तुझे इससे? क्यों री, तू क्यों जल रही है? तुझे भी तो मुफ्त में चूड़ियां मिल गई ना, ये तो दिया होगा इनके किसी प्रेमी ने, है ना? हाँ चंद्रा, चल, ये दादी ने हमें यहाँ ऐसे इतनी रात को देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तू चल यहाँ से, चल। हाँ चल। शगुन की चूड़ियां और मेरी कलम, ध्रुव बाबू ढाई चौपट। लगता है आपके और हमारे नसीब में ना अपनी अपनी प्रेमिका के मुख दर्शन लिखे ही नहीं है। किस्मत कब तक आंख में चोले का खेल खेलेगी? चेहरा तो मैं देख के ही रहूंगा, आज नहीं तो कल। माँ, आज अगर आप होती ना तो आप बहुत खुश होते। बहुत खुश होती ये जानकर कि आपके बेटे की शादी तय हो गई है। तो आपको पता है माँ, सिर्फ दो ही इंसान होते हैं जो बिना शर्त के प्यार करते हैं, एक माँ होती है और दूसरी जीवन साथी। और आपको पता है माँ, मुझे मेरी जीवन साथी, मेरी सोल मेट मिल गई है। उसका नाम भले चंद्रा है पर वो मेरे अंधेरे आसमान में चमकता हुआ सितारा है। सितारा, मैं उसका ध्रुव, पर वो मेरी सितारा। मार साहब, तीन दिन बाद को मुहूर्त निकाला पंडित जी ने। मुनीम जी, तीन दिन में सारी तैयारियां कैसे होंगी? आप परेशान मत होइए, ब्याह का सारा खर्चो सेठ जी उठाएगा। आपने सिर्फ दो जोड़ी कपड़ा में बेटी ने विदाई करनी है। बस तीन दिन? यो लो, रख लो। नहीं नहीं मुनीम जी, नहीं चाहिए। सेठ जी के बहुत बहुत आभार है, पर मुनीम जी क्या है, बेटी की शादी कराना हर पिता का सपना होता है, और सपने अपने हैसियत से पूरे करने चाहिए, ना कि किसी के एहसान लेकर। अरे ओ, ये रिश्ता हमारे सपने और हैसियत से कहीं ऊपर है, भगवान का आशीर्वाद समझ के रख ले। पर भाई ऐसे, अरे हमारी हैसियत कम है, इसका नुकसान सेठ जी क्यों भुगते? वो तो चाहेंगे ना कि उनके बेटे की शादी धूमधाम से हो। पर भाई,
लाइए दे दीजिए। भाग खुल गए हमारे चंद्र आके। जितने सभ्य और समृद्ध परिवार में ब्याही जा रही है, लेकिन इतने कम समय में हम हलवाई और बाकी पकवान का बंदोबस्त कैसे करेंगे? आप चिंता को नहीं करो, मैं हलवाई की एक टोली का बंदोबस्त क्यों है, वो सारी मिठाइयां और पकवान बना देगा, बस थोड़ी जगह का बंदोबस्त कर दिए। मुझे और इंतजार नहीं हो रहा तुम्हारे हाथों में लाल चूड़ियां देखे बिना चंद्रा, कोई तो तरीका ढूंढना होगा कि मैं तुमसे मिल पाऊं, तुम्हारे यहां पास आ पाऊं। मुझे तुम्हारे होने का एहसास क्यों हो रहा है कान्हा जी? बस आज मुझे मेरी सितारा से मिला देना। मुझे फिर से वही आभास क्यों हो रहा है? हे कान्हा जी, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? जी का नहीं सुना कैसे वो बहुत सारी लड़कियों के सखा थे? कान्हा जी को बीच में लाए, कहीं ये इशारा तो नहीं दे रहे कि ये वही है जिन्होंने हमारी कल्पना में रंग भरे थे? सुना है? घी गरम हो गया है, बालू साई के लिए बालू ले आ। अरे और ये अब बालू क्या होता है? बालू? अरे घी जल जाएगा तब लाएगा बालू। अरे जल्दी कर। अरे यार ला रहा हूँ यार। भी कहाँ खो गई? जल्दी कर तारा, हवेली जाना है। पत्र अरे मूर्ख क्या कर रहा है? ये क्या किया तुमने? घी की कढ़ाई में बालू चाय के बालू की जगह मिट्टी की बालू उलट दी। अरे ये क्या किया, तेरे को इतना नहीं पता कैसा हलवाई है रे तू? पता नहीं कहां कहां से आ जाते। क्या क्या तूने, तेरे को इतना नहीं पता क्या क्या करता है? समझ में नहीं आता। अरे यार अगर मेरी इन्होंने शक्ल देख ली ना तो दोबारा इस घर में आने नहीं देगी। अरे क्या कर रहे हो ये? तू तो क्या कर दिया ये? दादी वो उनकी आंख में मिट्टी चली गई ना, तो बालू शाही की बालू की जगह गलती से मिट्टी की बालू उलट दी। तेरी आंखों में कौन से सावन की हरियाली छाई है, तुझे यहाँ रखा इन पर नजर रखने के लिए? अरे दादी जी, वो इंसान कैसे ध्यान देगा जिसको आप अंदर भेज देंगी? ये तो अंदर चली गई थी ना, तो कैसे ध्यान रखती? हाय 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 हाय, अपने कर्म संभलते को नहीं, बड़ा आया उसकी तरफदारी करने वाला। हलवाई जी, कैसे कैसे लोग भर्ती कर रखे अपनी टोली में? ये हमारे साथ का नहीं है। साथ का नहीं है? किस खेत की मूली है फिर ये? ये हवेली की मूली है, सेठ जी ने इसे भेजा है। मिट्टी बाबू, हमारी चंद्रा हवेली की बहू बनने वाली है, जहाँ काम करना है ना तो पूरा ध्यान काम पे रखो, मटर गश्ती पे नहीं। चल आधे घंटे में सारी बालू शाही तुम अकेले बनाओगे, नहीं तो नौकरी गई।
दादी नौकरी? बेचारे, इनकी आंख में पहले ही मिट्टी गई है, अब नौकरी भी चली जाएगी तो बेचारे अपने बीवी बच्चों का ध्यान कैसे रखेंगे? मेरी शादी नहीं हुई है। अरे हुई है कि नहीं हुई है, मारी बला से जो कहा ना वो कर। और अलवाई जी आप आओ हमारे साथ, बताती हूँ आपको कि क्या क्या करना है, कब कब करना है और कैसे कैसे करना है। इतना घी खराब कर दिया है, तो बड़े फन्ने का समझ रहे हैं अपने आपको, हवेली से आए। माफ करना मुझे, वो दादी की डांट से बचाने के लिए तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालनी पड़ी, पर तुम्हें पता नहीं है दादी की डांट तो मिर्ची की तरह तीखी है, तुम्हारी आंखों में मिट्टी जाकर तुम्हें जितनी तकलीफ हो रही है, दादी की डांट पड़ती ना तो मिर्ची जाती उतनी तकलीफ होती। पर तुमने मुझे बचाया क्यों? बचाया क्यों? दानी पता है तुम्हारे बीवी बच्चों की खातिर, पहले मुझे थोड़ी पता था कि तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं है। अब तुम्हारे पता ना होने या पता होने के चक्कर में अगर मेरी ये आंखें खराब हो जाती तो फिर मैं उस लड़की को कैसे देखता जिसे मैं प्यार करता हूँ। पर तुमने तो कहा था तुम्हारी शादी नहीं हुई। अरे पर शादी तो करनी है ना, एक लड़की है जो मेरे दिल को भा गई है, अपनी जान से भी ज्यादा। पता है बस एक झलक में ऐसा लगा जैसे समय सदी सब रुक गई है, सब कुछ रह गया है, बस वो है और मैं हूं और हमारे सिवा दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हाँ, दीवानों की तरह ढूंढा है उसे, बहुत मुश्किल हुई ढूंढने में पर वो तो मिल गई। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।